और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, मस्त दो तगड़े फोन है, परफॉर्मेंस कैमरा सब कुछ को लेकर। सबसे पहले है वीवो V30, उसी के साथ इस भाई साहब का बड़ा भाई वीवो V30 Pro। अभी ये दोनों ब्रो में क्या क्या डिफरेंस है और आप लोगों को ये बता दूं, वैसे वीवो V30 अंडर 30,000 में आएगा, प्रो अंडर 40,000 के आसपास आएगा। और एक चीज मुझे बताना आप लोग, ताकि इन दोनों में से कौन सा क्यों और किस लिए लेना चाहिए और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और आपको उन डिफरेंसेस से क्या फर्क पड़ने वाला है, वो सब कुछ चीजों को लेकर। और एक चीज मुझे बताना आप लोग कि वीवो V30 का कंपैरिजन अंडर 30,000 में किसके साथ करना चाहिए। एक तो OnePlus Nord 3 आता है, जहां पर आपको कैमराज को लेकर और परफॉर्मेंस भी वहां पर बेस्ट है, बट यहां पर चीजें और थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल चली जाती है। तो क्या OnePlus Nord 3 के साथ कंपेयर करूं या फिर और कौन सा फोन होगा जिसके साथ इसका कंपैरिजन होना चाहिए, और सेम प्रो के लिए Vivo V30 Pro का कंपैरिजन किस फोन के साथ होना चाहिए। अंडर 40,000 में OnePlus 12R आता है, उसके साथ भी हम लोग देख सकते हैं। और अगर अपना iQOO Neo 9 Pro हो गया, किसके साथ कंपैरिजन करना बेस्ट होगा, बस एक बार कमेंट में जरूर बता देना। और वैसे हाँ, स्टार्ट के जो 2 घंटे में जितने भी कमेंट्स आएंगे ना, सबको मैं मस्त में हार्ट दूंगा, तो फटाफट कमेंट कर देना, ठीक है, करोगे ना, पक्का कर देना। तो अनबॉक्सिंग वगैरह तो मैं नहीं दिखाता हूँ वैसे ज्यादा, तो आपको फोन्स वगैरह तो मिल जाते हैं, चार्जर मिलेगा और इसी के साथ में एक सिलिकॉन केस कवर। तो अगर यहाँ पर दोनों फोन का लुक देखोगे तो ये Vivo V30 है, इसमें आपको ये वाला कलर मिलता है और यही सेम कलर आपको इसमें भी मिलेगा Vivo V30 Pro में। अब आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस कैसे पता चल रहा है कि प्रो कौन सा है नॉन प्रो कौन सा है, तो उसका रीजन ऐसा है कि देखो, जो प्रो वाला वेरियंट है ना, उसके अंदर ज़ाइस की ब्रांडिंग मिलती है, ज़ाइस की पार्टनरशिप मिलती है। जो वीवो है ना, अपनी X100 सीरीज, X90, X80 इनके अंदर लेकर आ रहा था, बट फर्स्ट टाइम वीवो की V सीरीज के अंदर हमको ज़ाइस की पार्टनरशिप मिल रही है, वो भी प्रो के अंदर। तो सबसे पहली चीज है जिसकी वजह से आप डिफरेंसेस देख सकते हो। और लुक एंड फील में कैसा है, देखो जो नॉन प्रो वाला वेरिएंट है ना, उसके अंदर AG ग्लास है, जो थोड़ा सा हाथों में सिल्की लगता है देखने में, और इसमें ना 2 कैमराज मिलते हैं, जबकि प्रो के अंदर आपको है ना 3 कैमराज मिलते हैं, ज़ाइस की ब्रांडिंग मिलती है और इसके पीछे ग्लास बैक है। देखो जो प्रो है ना, उसके अंदर आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक तो अंडमान ब्लू और एक आता है क्लासिक ब्लैक। और जो Vivo V30 है ना, जो मेरे हाथ में, वो पीकॉक ग्रीन है और एक अंडमान ब्लू मिलता है। और ये देखो, इन दोनों फोन मतलब जो Vivo V30 सीरीज है ना, एक बात है, यहाँ पर ये 5000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं दोनों फोन, और 2024 में मैं कहूंगा यहाँ पर ये सब इंडिया का सबसे स्लिमेस्ट फोन देखने मिलता है। बस एक चीज है कि जो नॉन प्रो है ना, वो 2 ग्राम हल्का है प्रो से, बाकी दोनों में टाइप सी 2.0 आते हैं और फ्रेम भी प्लास्टिक ही है। बस प्रो के अंदर आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, 8GB 128 और 12GB 512, और नॉन प्रो के अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, और दोनों के अंदर सेम हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, मतलब एक सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड और या फिर 2 सिम कार्ड। परफॉर्मेंस की बात देखोगे ना, तो यहाँ पे बड़ा चेंज है। तो प्रो के अंदर मिलता है डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर, जो 4nm पर है और एंटीटू बेंचमार्क पर 971,000 के स्कोर खींच देता है। और वहीं जो नॉन प्रो है, वहां पर आता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर, और ये भी एंटीटू बेंचमार्क पर 800,000 के प्लस के स्कोर देता है, और रैम एक्सटेंड जो मोड होता है वो दोनों के अंदर अवेलेबल है, और जो इवन स्टोरेज भी है ना, वो फास्टर है प्रो के अंदर UFS 3.1 और नॉन प्रो के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज है। बाकी जो बैटरी है दोनों के अंदर सेम आती है, वैसे 5000 mAh बैटरी है, और यहाँ पर जो चार्जर है वो भी सेम आता है 80W का। चार्जिंग टेक भी सेम है, मतलब दोनों की जो 100-0 अगर करोगे ना, तो 48-50 मिनट के अंदर पूरा फोन 100% दोनों फोन चार्ज हो जाएंगे सेम टाइम पे। अभी देखो मैं एक एक करके बता था हूं। सबसे पहले परफॉर्मेंस को लेकर ना, ऐसा है कि दोनों फोन UI को, एनिमेशंस वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से हैंडल कर देंगे, और जो ऐप ओपनिंग फास्टर वैसे दोनों में, बट हाँ प्रो के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है UFS 3.1 होने की वजह से। और एक चीज अगर ट्राई आउट करनी है ना, मैंने क्या किया, दोनों फोन के अंदर जो BGMI लोड करके देखा है, और यहां पर अगर ध्यान से देखोगे ना, प्रो के अंदर BGMI थोड़ा फास्टर लोड हो गया। तो नॉर्मल कैजुअल काम की जैसी बात है, तो भाई अच्छे से दोनों ही करवा रहे हैं, बट गेमिंग की जब बात आती है ना, तो दोनों फोन वैसे 60fps की गेमिंग अनलॉक करते हैं HDR तक भी। वैसे हाँ, प्रो के अंदर आपको सोच रहे होगे 90fps मिल जाएगा, तो अभी के लिए तो नहीं मिल रहा है, आगे मिल सकता है, थोड़े बहुत चांसेस हैं क्योंकि स्कोर्स वगैरह अच्छे से दे रहा है, बट मैं इतना कहूंगा ये फोन 60 में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा 90 होने के बाद में भी। तो देखो, अगर Vivo V30 के अंदर आप गेमिंग करते हो ना, तो 60fps में कैसा होगा कि TDM पर है ना, आपको अच्छे स्टेबल FPS मिल जाएंगे, आप आराम से 60, 58, 57 ऐसी गेमिंग कर सकते हो। बट जब इरेंगल की बात आएगी, बूट कैंप की बात आएगी, वहां पे अच्छे खासे एनिमीज होंगे, मतलब तगड़े तरीके से, तो वहां पर कैसा होगा ना क्या, कि आपको कुछ टाइम पे ना यहां पर FPS थोड़े से ड्रॉप होते हुए दिखेंगे। हालांकि प्रोसेसर अच्छा है, 60fps की गेमिंग को करवाने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ी सी ज्यादा बेटर स्टेबिलिटी, थोड़ी सी ज्यादा मतलब ना परफॉर्मेंस बेटर प्रो के अंदर देखने मिलेगी। बट हाँ,
नॉन प्रो में ऐसा कुछ नहीं कि 60 FPS की परफॉर्मेंस आप नहीं खींच सकते, आप दोनों फोन में 60 FPS की गेमिंग अच्छे से कर पाओगे। चाहिए ना तो Vivo V30 और Pro दोनों का गेमिंग वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया रहेगा गेमिंग पाठशाला पर, तो वहां जाके एक बार चेक कर लेना कि दोनों की स्टेबिलिटी वगैरह कैसे निकल कर आ रही है। और एक और एक्स्ट्रा चीज बताता हूं जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी। तो देखो, अगर मैं Vivo V30 के अंदर एक घंटे की गेमिंग करता हूं, जिसमें से 30 मिनट मैंने 60 FPS की गेमिंग करी, फिर नेक्स्ट 30 मिनट से ना मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेमिंग करी है, तो जिसके अंदर ये बैटरी ड्रॉप करता है ना, मतलब एक घंटे में 30 मिनट्स के स्लॉट को अगर काटोगे तो उसमें ये फोन 20% की बैटरी ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो वहीं पर अगर आप प्रो में अगर आप गेमिंग करते हो ना, एक घंटे की गेमिंग करोगे, तो वहां पर 30 मिनट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ, बट अगला 30 मिनट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके हमने गेमिंग करी तो ये फोन 22% की बैटरी ड्रॉप करता है। तो ओवरऑल 2% का बैटरी ड्रॉप देखने मिलता है और थोड़ी सी ज्यादा स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ जो डिटेल वगैरह है वो आप गेमिंग पाठशाला के उस वीडियो पे जाके चेकआउट कर लो, आपको ज्यादा और बेटर FPS के साथ में चीजें पता चलेगी। बाकी दोनों के अंदर सेम VC चेंबर कूलिंग आती है फोन को ठंडा रखने के लिए, जो सेटअप अंदर लगाया जाता है वो दोनों में सेम है। और ये दोनों फोन पर है ना Elgato सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये Type-C 2.0 पर आता है और Elgato सपोर्ट मोस्ट ऑफ Type-C 3.1 या 3.0 तक मतलब चल जाता है, इसके अंदर दोनों में नहीं होगा। बाकी जो बाईपास चार्जिंग का है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ है ऐसा, बाकी अगर आपको लगता है कुछ है तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना, पता चल जाएगा। बट जहां तक मैंने चेक किया बाईपास चार्जिंग जैसा कुछ ऑप्शन तो फिलहाल नहीं है। और ना आप में से बहुत लोग पूछते हो कि स्क्रीन कास्ट ऑप्शन मिलता है कि नहीं, तो दोनों के अंदर स्क्रीन कास्ट का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी कैसा है कि प्रो के अंदर ना एक एक्स्ट्रा 5G बैंड मिलता है, पर आपको जो ब्लूटूथ लेटेस्ट मिलेगा ना वो आपको नॉन प्रो के अंदर मिलेगा, और दोनों के अंदर वाईफाई भी सेम आता है। और जो नॉन प्रो है ना वहां पर आपको NFC नहीं मिल रहा, और दोनों के अंदर लेकिन IP रेटिंग 54 आती है, दोनों में सेम है। और जो 39 सेंसर्स मिलते हैं आपको नॉन प्रो के अंदर, पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में आते हैं, तो दोनों अच्छी तरीके से अनलॉक भी हो जाते हैं। और इवन डिस्प्ले की अगर स्पेसिफिकेशन देखोगे ना सब कुछ सेम है, इवन डिस्प्ले क्वालिटी तक देखोगे ना दोनों को साइड बाय साइड अगर कंटेंट प्ले कर दूंगा ना, बेजल्स वगैरह सब कुछ लेकर 3D कर्व डिस्प्ले आते हैं वैसे ये दोनों। और जो ब्राइटनेस का लेवल भी है ना 2800 nits का, वो भी दोनों में सेम है। तो कंटेंट दोनों में देखो भाई, दोनों में सेम चलने वाले हैं। इवन HDR 10 का भी सपोर्ट दोनों में निकल कर आता है, और YouTube पे कंटेंट प्ले करना है वहां पर 4K HDR भी प्ले कर सकते हो। और रही बात सिंगल स्पीकर आते हैं दोनों फोन में, लास्ट ईयर भी सिंगल स्पीकर था तो मुझे लगा था कि इस बार भी Vivo शायद से डुअल स्टीरियो की तरफ जाएगा, पर ठीक है नहीं गया। बट एक में आपको जो लाउडर किस में आता है पता है, नॉन प्रो के अंदर आपको थोड़ा सा स्पीकर लाउडर और थोड़ा सा क्लियर मिलता है, सुनने में चीजें थोड़ी सी ज्यादा मस्त लगी है, हालांकि ये भी अच्छा है बट थोड़ा सा ज्यादा लाउडर नॉन प्रो है। और एक चीज है, दोनों के अंदर है ना हाई परफॉर्मेंस स्कॉच सेंसेशन ग्लास मिलता है, मतलब इसकी जो फ्रंट ग्लास की जो ड्यूरेबिलिटी है ना वो लाइक तो फ्रंट में तो फिलहाल तो कुछ ऐसे देखने नहीं मिल रही चीजें, और सेम यहां पर भी, सो मतलब ऑलमोस्ट सब परफेक्ट दिख रहा है। और ये देखो सॉफ्टवेयर में भी दोनों सेम है, एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं, प्लस फनटच ओएस 14 पर है। ऑफिशियली अभी मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितने साल का और एंड्रॉइड अपडेट आएगा, लेकिन इतना तो श्योर हूं 2 साल का ओएस या फिर 3 साल मैक्स तक देखने मिलेगा। तो मतलब 2 साल और आप जा सकते हो या फिर 3 साल और जा सकते हो, इन दोनों में से कुछ होगा, बट मिनिमम समझे तो 2 साल तो मिनिमम एटलीस्ट मिल ही जाएगा हमको। बाकी जो UI एनिमेशंस वगैरह सब कुछ अच्छा है, बट एक मैं ना ट्रिक देता हूं, अगर आप iQOO Vivo का कोई फोन यूज करते हो तो उसके अंदर है ना सेटिंग में जाना और एक रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन आएगा वो ऑफ कर देना, उसके बाद में देखो भाई क्या सुपर स्नैपी चलता है दोनों फोन, मतलब Vivo और iQOO के फोन और मतलब पहले से भी अच्छे हैं ऐसा नहीं है, पर एक बार आप ये सेटिंग अप्लाई करके देखो इतना सुपर चलता है ना भाई, मतलब एनिमेशन भी रिमूव होने के बाद में मतलब फील होता है बट बहुत ज्यादा स्नैपी चलता है। बाकी ब्लोटवेयर वगैरह भी जो आते हैं वो दोनों के अंदर सेम ही है एटलीस्ट, मतलब कोई ऐसा बड़ी बात तो अलग नहीं है। और जो ब्लोटवेयर एप्लीकेशन कुछ आती है तो किसी के काम की हो सकती है किसी की नहीं हो सकती, अपने हिसाब से रखो अनइंस्टॉल करो। बस एक चीज है आप ना क्या करना, इसके अंदर आपको जो वी ऐप स्टोर मिलता है ना उसको होल्ड करना, उसका नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर देना, और जो इनका ब्राउजर आता है ना उसको भी होल्ड करके जो नोटिफिकेशन वगैरह वहां से जो आती है वो बंद कर देना, उसके बाद में जो एक्सपीरियंस है ना अच्छा चल के आता है। और Vivo का जो ये फनटच ओएस है ये काफी ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो गया, UI की क्लीननेस हो गई, वो सारी सब कुछ एक तरीके से मिल जाती है। देखो कैमराज में कैसा है कि दोनों के अंदर है ना मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, बट एक के अंदर आता है यहाँ पर सोनी IMX 920 का सेंसर और नॉन प्रो के अंदर आता है ओमनीविजन का सेंसर, और अल्ट्रा वाइड भी दोनों में 50 मेगापिक्सल का आता है, लेकिन प्रो के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा लेंस मिलता है 50 मेगापिक्सल का ZEISS प्रोफेशनल पोर्ट्रेट कैमरा, जिसके अंदर आप पोर्ट्रेट जो फोटोज है ना वो ज्यादा बेटर तरीके से ले सकते हो, और वहीं पर आपको सेल्फी कैमरा दोनों में सेम है। और एक चीज है यहाँ पर आपको एक है ना स्टूडियो क्वालिटी ऑरा लाइट्स मिलती है दोनों के अंदर स्क्वायर टाइप में जैसे देख रहे हो, और इवन एक नॉर्मल फ्लैश भी मिलता है, तो इसके अंदर ZEISS की पार्टनरशिप है तो
यहाँ पर आपको ना 6 स्टाइल पोर्ट्रेट फिल्टर्स मिलते हैं, जिसमें आपको बायटर, सोनार, प्लानर और सिनेमैटिक टाइप के अलग अलग फिल्टर्स देखने मिलते हैं। अभी ऑरा लाइट कैसा है कि एक लाइटिंग कंडीशन है जहां पर लाइटिंग वगैरह कुछ अच्छी नहीं है, तो अपने हिसाब से कूल टोन, वार्म टोन जैसा रखना चाहता है ना ऑटोमेटिक रख सकते हो, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो ताकि जो फोटोज है ना और अच्छी तरीके से इनहेंस होकर आ जाए। अभी एक चीज अगर आप पूछोगे तो किसका कैमरा अच्छा है, तो डेफिनेटली एक चीज तो कंफर्म है कि जो वीवो प्रो है ना 30 प्रो, उसके अंदर जो जाइस की पार्टनरशिप है, उसके बाद में जो कलर की जो डिटेलिंग वगैरह यहाँ पर आती है, वो ओवरऑल वीवो V30 Pro के अंदर ज्यादा बेटर है। इवन आपकी डे हो गई, लो लाइट हो गई, पोर्ट्रेट्स हो गए, वो ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स आपको 30 प्रो के अंदर देखने मिल रहा है। वीवो V30 भी अच्छा है। मैं आपको एक सिंपल एक एग्जाम्पल समझा दूं, अगर आपको अंडर 30,000 के अंदर एक अच्छा कैमरा फोन चाहिए तो ये 30 है, और अगर आपको 40,000 के अंदर एक अच्छा कैमरा चाहिए जो इससे भी अच्छा है, वो वीवो V30 Pro है। और ऑफ कोर्स जो ज्यादा पे करोगे आप तो आपको चीजें भी ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगी, आपको बहुत सारे इसके अंदर पोर्ट्रेट ब्लर्स वगैरह मिल जाते हैं पोर्ट्रेट बोर्ड के अंदर, तो आप अलग अलग सिनेरियो में जो बेस्ट कंडीशन में फोटो ले सकते हो, ऐसा लगेगा कि कोई DSLR टाइप की हमने फोटो खींची है। तो कैमरा में डेफिनेटली फ्रंट, मेन, सेल्फी सब कुछ सिनेरियो में V30 Pro विन करता है। अगर आप इस फोन का कंपैरिजन किसी और फोन के साथ देखना चाहते हो बस एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी एक है कि दोनों फोन में ना आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मौका जो मिलता है ना, जो प्रो के अंदर है ना, आप 4K 60 में वीडियो ले सकते हो, इवन फ्रंट कैमरा से भी सेम 4K 60 में वीडियो ले सकते हो, बट जो नॉन प्रो है ना वहां पर 4K 30 है मेन कैमरा पर, तो ये भी डिफरेंस यहाँ पर आपको निकल कर आता है। और दोनों की वीडियो सैंपल आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। सो अभी अगर फाइनल कंक्लूजन के हिसाब से इतना तो बात पक्का है भाई, अगर आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो चीजें आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मिल रही है वीवो V30 Pro के अंदर, खास करके कैमराज और परफॉर्मेंस ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक चला गया। बस हाँ, सिंगल स्पीकर है, डुअल होता थोड़ा थोड़ा मस्त हो जाता, और वीवो V30 के अंदर आपको चीजें मस्त मिल रही है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और अंडर 30,000 के अंदर एक बेस्ट ऑप्शन बनता है, इवन कैमराज को लेकर भी एक बेस्ट ऑप्शन बनता है। और इस फोन की जो सेल डेट है ना वो 14th March है, तो तब आप इसे बाय कर सकते हो। अभी आप लोग बता दो आपके हिसाब से आप किसको विनर रखते हो, और इन दोनों का कंपैरिजन किस फोन के साथ होना चाहिए वो भी बता देना, तो जो भी रहेगा मैं मस्त में वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो पे अगर 5,000 लाइक का टारगेट आ गया तो वो वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।